हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बनाएंगे दिवाली भाई दूज स्पेशल 2 लेयर चॉकलेट मावा बर्फ़ी, जो बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होता है। तो आप भी इस तरीके से बाज़ार की जगह घर पे ही बिना मिलावटी इंस्टेंट मिठाई बना सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप दूध। यहाँ मैंने दूध को बॉईल करके ठंडा कर लिया था और अब ये दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर का है। और अब हम इसमें 1 कप इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। आप घर का कोई भी कप या कटोरी सेट कर सकते हैं। और अब हम इसमें चीनी का पाउडर डालकर इसे स्पैचुला से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे चीनी दूध में अच्छे से घुल जाएगा और जल्दी मेल्ट भी हो जाएगा। और इसे सिर्फ 1 मिनट आप इस तरीके से चलाते हुए मिलाएंगे तो दूध और चीनी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। और अब हम इसमें डालेंगे सेम कप से ही 2 कप मिल्क पाउडर। यहाँ मैंने मिठाई बनाने के लिए स्किम्ड मिल्क पाउडर का यूज़ की हूँ। आप चाहे तो होल मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप बाज़ार का मावा से भी इस मिठाई को इजीली घर पे बना सकते हैं। और अब हम इस स्पैचुला से मिल्क पाउडर में मिल्क को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे आप 20 से 25 सेकंड के लिए इस तरीके से चलाते हुए मिक्स करेंगे तो दूध और मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसका थिक और गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। और आप देख सकते हैं इसका गाढ़ा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। और अब हम इसमें 4 चम्मच मेल्टेड घी डालेंगे। यहाँ मैंने घी को मेल्ट कर लिया है और यहाँ मैंने सिर्फ 4 चम्मच यूज़ किया है। अगर आपको ज़रूरत और लगे तो आप इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं, और घी की जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और घी डालकर यहाँ मैंने इसे अच्छे से 20 से 25 सेकंड के लिए चलाते हुए मिला लिया है। और देख सकते हैं घी भी अच्छे से मिल्क पाउडर में मिक्स हो गई है। और अब हम गैस ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे 1 मिनट के लिए इस तरीके से चलाते हुए पकाएंगे, जिससे कढ़ाई भी हमारा जल्दी गर्म हो जाएगा। और 1 मिनट हो गए, गैस का फ्लेम हम स्लो कर देंगे और अब हम इसे स्लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे, जिससे मिल्क पाउडर का टेक्सचर बिल्कुल मावा के जैसा हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट पकाया और इसका बिल्कुल परफेक्ट मावा जैसा टेक्सचर बनके तैयार हो गया है। लेकिन हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छे से भून लेंगे, जिससे इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। देख सकते 2 मिनट हो गए हैं, मावा हमारा बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसा बनके तैयार हो गया है। और अब हम एक कटोरी लेंगे और आधे मावा को हम कटोरी में निकाल लेंगे या ट्रांसफ़र कर लेंगे, और आधे मावा को हम कढ़ाई में ही रहने देंगे। और अब हम इस मावा में 1 से 2 ड्रॉप केवड़ा एसेंस या केवड़ा वाटर डालेंगे, जिससे इस बर्फ़ी का फ्लेवर और स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब हम केवड़ा वाटर मिलाकर मावे को अच्छे से फिर से चलाते हुए भून लेंगे, जिससे इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ मैंने बर्फ़ी सेट करने के लिए टीन में बटर पेपर लगाकर इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और अब हम इसमें मावा वाला बैटर डालेंगे और हम इसे स्पैचुला से अच्छे से दबाते हुए इसे अच्छे से फैला लेंगे, जिससे मावा हमारा इक्वली स्प्रेड होगा और इक्वली हर जगह अच्छे से सेट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं मैं स्पैचुला से इसे अच्छे से सारे साइड पे प्रेस कर ले रही हूँ, जिससे ये बिल्कुल अच्छे से सेट होगा। और अब हम मावे को सेट होने के लिए या ठंडा होने के लिए रखेंगे। और अब हम सेम कढ़ाई में ही कटोरी में निकाले हुए मावा डालेंगे और अब हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप वनीला या चॉकलेट एसेंस डालेंगे। यहाँ मैं वनीला एसेंस का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप इसकी जगह चॉकलेट या चॉकलेट एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम वनीला एसेंस को इसे मावा में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और अब हम इसमें 1 चम्मच और आधा चम्मच कोको पाउडर डालेंगे। यहाँ मैंने
टोटल 1.5 चम्मच कोको पाउडर का यूज़ किया है। और अब आप देख सकते हैं कोको पाउडर भी मावा में अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। हमें इसे अच्छे से 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे और इसका सारा मॉइस्चर अच्छे से सूख गई है। और आप देख सकते हैं चॉकलेट बर्फ़ी बनाने के लिए हमारा चॉकलेट मावा भी बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार हो गया है। हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसे पैन में ही हम इसे अच्छे से इस तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा और ये जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। और अब हम चलिए इसे भी सेट होने के लिए मावा के ऊपर डालेंगे और हम इस स्पैचुला से थोड़े थोड़े चॉकलेट मावा लेंगे और इसे अच्छे से हम इस स्पैचुला से ही वाइट मावा के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। यहाँ मैं इसे हल्के हाथों से अच्छे से दबाते हुए इसका कोना कोना हम अच्छे से इसे कवर कर लेंगे और इसे अच्छे से हम फैला लेंगे। और आप देख सकते हैं मैं इस स्पैचुला से इसे इक्वली अच्छी तरीके से फैला ले रही हूँ और ये देखिए हमारा चॉकलेट बर्फ़ी भी अच्छे से सेट होने के लिए रखेंगे। और अब हम इसके ऊपर कटे हुए पिस्ता और कटे हुए आलमंड डालकर इसे भी स्पैचुला से अच्छे से दबा लेंगे। और अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे ही आधा से 1 घंटा के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। और आप देख सकते हैं बर्फ़ी हमारा अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है। और अगर आपको जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में भी ठंडा होने के लिए रख सकते हैं। और अब हम इसे थाली पे पलट देंगे और इसके ऊपर लगा हुआ बटर पेपर को निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं बर्फ़ी हमारा बहुत ही बढ़िया से सेट हो गया है। और अब हम इसके दूसरी तरफ सफ़ेद वाले मावे के ऊपर भी कटे हुए पिस्ता और आलमंड डालकर इसे भी चाकू से अच्छे से दबाते हुए हम अच्छे से सेट कर लेंगे। और अब हम इसे मावा बर्फ़ी को पलट देंगे और अब आप देख सकते हैं हमारा 2 लेयर वाला चॉकलेट मावा बर्फ़ी बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो गया है। और अब हम इसे बर्फ़ी के शेप में कट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसे बीच में से कट करेंगे और इसे 2 भाग में अलग कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया है। और अब हम इसे बर्फ़ी का शेप में इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, जिससे इसका परफेक्ट बर्फ़ी वाला शेप आएगा। और आप देख सकते हैं मैंने सारे बर्फ़ी को कट कर लिया है। और ये देखिए हमारा 2 लेयर वाला चॉकलेट मावा बर्फ़ी बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुआ है और ये बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट बना है। और इस तरीके से आप भी दिवाली हो या भाई दूज आप घर पे ही इंस्टेंट से इस बर्फ़ी को बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नए रेसिपी में। और इस तरीके से अगर आप इस बर्फ़ी को घर पे बनाएंगे तो आपके मेहमान हो या आपके घर वाले सभी को बहुत पसंद आएगा। तो बाज़ार की मिलावटी मिठाई की जगह आप इंस्टेंट और झटपट इसे ज़रूर ट्राई